आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। आशा कभी भी पढ़ने नहीं जाती, एक आवारा और बदमाश लड़के से मिलने जाती। होश में तो हो? चाको, मैं चलती हूँ, फिर वापस आ जाऊंगी। मैं तुम्हें रोकना तो नहीं चाहती, लेकिन प्लीज जल्दी वापस आना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जानती हूँ, इसीलिए फरहान के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहती हूँ। मैं आखिरी बार कहूंगी, प्लीज तुम मेरा कहना मान लो, प्लीज फरहान को बता दो। आप क्या कह रही हैं, मैं आपको इतनी दफा बता चुकी हूँ। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि फरहान तुम्हारा इलाज कहीं और से करा दे, बाहर से करा ले, और तुम्हें वो अपनी जिंदगी सारी खुशियां वापस मिल जाए। अगर मेरी किस्मत में फरहान से मिलना होगा तो इस डॉक्टर के इलाज से भी जिंदगी मिल जाएगी। फिर मेरी आखिरी ख्वाहिश समझ के मेरी बात मान लो। ये क्या कह रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपको ये भी नहीं कह सकती कि मेरी उम्र आपको लग जाए। नहीं, ऐसी होपलेस बातें नहीं करनी। ठीक है, जाओ फरहान के साथ टाइम स्पेंड करो, उसे अपनी दिल की बात बता दो। ठीक है। ठीक है नहीं, मुझसे वादा करो तुम फरहान को सब कुछ सच सच बता दोगी। लेकिन मैं ये सब लेकिन कुछ नहीं, और तकलीफें मत बढ़ाओ सारों की, बता दो उसे। कोशिश करूंगी। होश में तो अभी आपको आना होगा, और वो लड़का भी कोई अनजान नहीं है। अबीरा ने खुद इस मासूम लड़की के पीछे लगाया उसे, और आयशा को आपके खिलाफ बगावत भी वो उकसा रही है। मैं तो घर पर बताकर आई थी, अबीरा आंटी ने नहीं बताया आपको? वो तो मेरी फ्रेंड से मिली हुई है, और वो तो फैमिली से भी मिली हुई है। कैसे यकीन कर लूं मैं तुम्हारी इन बेकार बातों पे? मैंने अपने ही गुनहगार आंखों से उस लड़के को देखा है। मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन अबीरा ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने एक लफ्ज भी कहा ना, तो मुझे भी जैनब भाभी की तरह यहां से चलता कर देगी वो। मैं आपके घर की इज्जत इस तरह नीलाम होती अब नहीं देख अच्छा, सकती, मुझे बर्दाश्त नहीं। बस कर दो प्लीज, प्लीज बस कर दो। कैसे यकीन कर लूं मैं तुम्हारी इन बेकार बातों पे? मैंने अपनी ही गुनहगार आंखों से उस लड़के को देखा है। मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन अबीरा ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने एक लफ्ज भी कहा ना, तो मुझे भी जैनब भाभी की तरह यहां से चलता कर देगी वो। भाई, मैं आपके घर की इज्जत इस तरह नीलाम होती अब नहीं देख अच्छा, सकती, मुझे बर्दाश्त नहीं। बस कर दो प्लीज, प्लीज बस कर दो, मत लो मेरे सब्र का इम्तिहान। पहले ही बहुत सारी उलझनों में फंसा हुआ, एक नई चीज मत क्रिएट कर दो मेरे लिए। ठीक है, आपको अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो कोई बात नहीं, ये तमाशा आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे। और पराए का फर्क परख लेंगे आप, तब तक मैं यही हूं।
मैं आखिरी बार कहूंगी, प्लीज तुम मेरा कहना मान लो, प्लीज फरहान को बता दो। ऐसे भी तो हो सकता है कि फरहान तुम्हारा इलाज कहीं और से करा दे, बाहर से करा ले, और तुम्हें वो अपनी जिंदगी सारी खुशियां वापस मिल जाए। क्या बात है, आज फिर तुम हॉस्पिटल गई और तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। एक मर्तबा पहले भी जा चुकी हो, तुमने नहीं बताया। आई एम श्योर देयर समथिंग रॉन्ग। एक काम करते हैं, मेरे एक जाने वाले हैं और न्यूरोसर्जन है, उनसे जल्द के मिल लेते हैं, मशवरा कर लेते हैं, और एक थोड़ा चेकअप हो जाएगा, उसमें क्या हर्ज है। जाओ फरहान के साथ टाइम स्पेंड करो, उसे अपनी दिल की बात बता दो। कहां से आ रही हो? कुछ पूछ रहा तुमसे? वो झूठ मत बोलना मेरे सामने, उधर जुबान खींच लूं मत। पापा मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी। किससे पूछ के तुमने उस लड़के से दोस्ती किया? किससे पूछ के? बाबा मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, हम बड़े हो गए, हमें अपने अच्छे बुरे की पहचान है। और फिर हमें आपकी तरह अपनी खुशियां पूरी करने का हक नहीं है। क्या कहा था? कौन सी खुशियां? क्या बोल रही हो तुम? आपने भी तो हमेशा वही किया है ना जिससे सिर्फ आपको खुशी मिली हो। चाहे वो फिर दूसरी शादी हो क्यों ना हो, या फिर बाप। शट अप, जस्ट शट अप। नहीं रहोगी यहां तुम, ज़ैनब के पास आओगी। 10 मिनट है तुम्हारे पास, गो एंड पैक अप योर स्टफ, गो गो। कैसे बता दूं फरहान को कि मैं मरने वाली हूं, कैसे उनको अपनी मौत के लिए तैयार करूं। मैं जब यहां तक पहुंच गई हूं तो बाकी जिंदगी भी मैं फरहान के साथ गुजारूंगी। सब कुछ बता दूंगी उन्हें, माफी मांगूंगी उनसे कि मेरी बेरुखी की वजह मेरी मौत की खबर थी। किधर से आ रही हो और कहां जा रही हो?
क्या मतलब फरहान? हमारा घर है ये। हमारा घर? हमारा घर? क्या हो गया है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है या तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। मेरे पूछने पे एतराज हो गया तुम्हें और अपनी हरकतों में कोई शर्मिंदगी नहीं। आई एम सॉरी, मैं आपको बताना ही चाहती। क्या बताना चाहती थी तुम? वो जो आपने मुझसे हॉस्पिटल में, मुझे कोई गर्ज नहीं उससे। जो अभी पूछ रहा हूं उन सवालों का जवाब चाहिए मुझे। मेरे जन्नत जैसे घर को तुम दोजख में बदल रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा? मैंने ऐसा कुछ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया फरहान। कुछ नहीं किया तुम? किस बात का बदला ले रही हो तुम मुझसे? किस बात का? क्यों बर्बाद करना चाहती हो मुझे? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? क्या कुछ नहीं किया? सबसे दुश्मनी मोल ली, जिस औरत की वजह से यह घर वजूद में आया तुमने उस औरत को इस घर से निकाल दिया। जिस औरत की वजह से मैं अपनी जिंदगी में कामयाब हुआ तुमने उसको नाकाम साबित कर दिया। मैं आपको सब कुछ बताती हूं, मुझे सिर्फ एक मौका दे प्लीज। क्या मौका दूं तुम्हें? ताकि तुम बची कुची कसर भी पूरी कर सको। मैंने तुम पर अंधा एतमाद किया और तुम मुझे अंधा समझकर जो दिल में आया करती चली गई। एक बार भी तुमने नहीं सोचा कि इस शख्स ने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। सब कुछ नहीं किया फरहान, आपको गलत फहमी हुई है। गलत फहमी हुई है तो फिर बताओ वो लड़का कौन था जिसको मैंने आज आयशा के साथ देखा? बोलो कौन सा लड़का? झूठ मत बोलना मेरे से, झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ बोलने की कसर बाकी नहीं छोड़ी है तुमने। जब नसीम ने तुमसे उसके लड़के के बारे में पूछा तो तुमने उसको मना कर दिया। मैंने किसी को मना नहीं किया। क्यों किया तुमने ऐसा? भाभी खुदा के लिए अब एक और झूठ तो ना बोले आप। बताएं ना सच सच, आपने मुझे मना किया था कि नहीं? बताएं ना। बोलो। मैंने किसी को मना नहीं किया फरहान। झूठ मत बोलना मेरे से। बात हो चुकी, मौत होगी तुम्हारे ड्रामे। बहुत देख ली तुम्हारी मासूमियत मैंने, बहुत देख ली। नाउ इट्स इनफ। मेरी औलाद से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अभी यहां से चले जाओ, इससे पहले कि मैं कुछ ना। तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह है ना ही इस घर में। Get up! Just get up! मुझे एक वक्त है, मैं आपको सब कुछ बता। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं। Just get up!
नसीम ये तो तेरी सोच से भी बढ़कर हो गया। क्या ड्रामा, क्या एक्शन, बस सब सबर कर। देख रहा हूँ कि तुम मेरे बिजनेस के साथ साथ मेरा कितना ख्याल रख रहे हो, मेरे बिजनेस के साथ मेरे दुख, मेरी परेशानी, मेरी उलझनों में भी बराबर के शरीक हो। बहुत देख ली तुम्हारी मासूमियत मैंने, बहुत देख ली। नाउ इट्स इनफ। ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम इतना एफर्ट पुट इन करती हो मुझे ठीक करने में, चेयर अप करने में। मेरे जन्नत जैसे घर को तुम दोजख में बदल रही हो, क्यों कर रही हो ऐसा? ये तो सच है, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर इंटेलिजेंट। और ये भी सच है कि मैं सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, और जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो तुम्हारा कंपैरिजन अपनी बीवी से करना शुरू कर रहा हूँ। मैंने तुम पर अंधा एतमाद किया और तुम मुझे अंधा समझकर जो दिल में आया करती चली गई। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अभी यहां से चले जाओ। मैं आखिरी बार कहूंगी, प्लीज तुम मेरा कहना मान लो, प्लीज फरहान को बता दो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बहुत देख ली तुम्हारी मासूमियत मैंने। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रही? किसके साथ आई हो तुम? कौन था वो लड़का? Who the hell are you, हाँ? मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ इस घर में आऊं और जिसके साथ इस घर से जाऊं। आप कौन होती है मुझसे ये सब कुछ पूछने वाली? आशा, इस बार जरा संभल कर हाथ उठाना। अब तक तो सिर्फ सुना ही होगा ना एक किलो लगाने के बारे में। मैंने तुम्हारी मामा को यहां से नहीं निकाला है। आपके आने से पहले बाबा ने मामा को क्यों नहीं निकाला था? अब तो आप या फिर खुद इस घर से जाएंगी या फिर बाबा आपको निकालेंगे। ना तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह, ना ही इस घर में। Get up! Just get up! जिस रोज से मैं हुई अकेली, मेरी तन्हाई मुझसे डरती है। उसे जैसे कह के मैं तो भूल ही गई हूं। बहुत अच्छा किया भूल गए आप। इनफैक्ट आज के बाद से ऐसे कामों का भूल जाना ही बनता है। मैंने कहा था ना भाभी, आपने इस दफा टक्कर लेने के लिए एक गलत औरत का इंतखाब किया है।
हेलो अक्कू। अबीरा क्या हुआ है? अबीरा अक्कू, अबीरा क्या हुआ है बताओ तो सही, मेरी जान निकली जा रही है। फरहान ने मुझे घर से निकाल दिया अक्कू। पर क्यों अबीरा, मुझे बताओ तो सही, मुझे कैसे पता लगेगा? उन्हें लगता है कि उनकी बर्बादी की सारी वजह मैं हूँ अक्कू। ओहो, उन्हें गलत फहमी हुई है, तुम क्यों फिक्र कर रही हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल कुछ ठीक नहीं होगा आपको, वो बहुत गुस्से में, उन्हें मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं रहा। तुम यही तो चाहती थी, अब क्यों रो रही हो वैसे? मैं उनके दिल में अपने लिए गलत फहमी नहीं बर्दाश्त कर सकती आपको, इसलिए मैं तुम्हें बार बार कहती थी उनसे झूठ मत बोलो, तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। आपको मेरा सर दर्द से फट रहा है। तुम कहाँ हो? अच्छा तुम परेशान ना हो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, तुम परेशान नहीं हो, कहाँ हो तुम? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब चकरा रहा है। तुम, मैं आ रही हूँ, बस तुम उधर ही रहो। मैं आपके पास ही आ रही हूँ अभी। क्या? फौरन गाड़ी रोको अबीरा, फौरन गाड़ी रोको अबीरा, अबीरा अबीरा। तुम्हारे साथ धोखा हो गया है फरहान, एक लड़की अपनी मर्जी से तुम्हारी जिंदगी में आई और अपनी मनमानियां करती रहे और तुम समझते रहे कि वो तुमसे प्यार कर रही है, तुम्हारा ख्याल रख रही है, पर वो तो तुम्हें बर्बाद करके चली भी गई और कितनी आसानी से तुम्हारी जिंदगी का तमाशा बना गई, और ये सब तुम्हारी नाक के नीचे होता रहा। जैनब जल्दी आ जाओ, देर हो रही है भाई, मुझे मैसेज पे मैसेज आ रहा है यार, ये बाद में कर लेना, जाओ जल्दी करो जो करती हो। ओहो हो गया, तो ये भी दो, ये लड़कियां हुई हैं तैयार के नहीं? बस आ रही, बस भेजो गाड़ी में, बैठे हो इंतजार कर रहा हूं। जैनब ने कितनी जिम्मेदारी से इस घर को और तुम्हें संभाला हुआ था, तुम्हारी हर तलख बात को किसी शहद की बूंद की तरह महसूस करती थी, तुम्हें अपना सब कुछ समझती थी, और तुमने बदले में उसे क्या समझा?
फरहान तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम भटक गए थे, भूल गए थे कि तुम दो बेटियों के बाप भी हो, एक जिम्मेदार शौहर हो। पर तुमने ना बाप होने का कोई फर्ज अदा किया और ना ही एक वफादार शौहर होने का सबूत दिया। और तो और तुमने अपनी बहनों की भी कोई लाज ना रखी, जिन्होंने अपना सब कुछ तुम्हें समझ रखा था और तुमने एक पल में उनकी खुशफहमी को दूर कर दिया। हेलो, कहाँ जा रही हो तुम? वो सोस ये सिला दिया तुमने जैनब भाभी की इतने सालों की मेहनत का? हाँ, इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाते वक्त तुमने एक सेकंड भी नहीं सोचा? अपने बाबा के एतमाद को तोड़ते हुए एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा तुमने? क्या पढ़ा रहे हैं तुम्हें स्कूल में? ये पढ़ा रहे हैं? कम से कम अपनी बड़ी बहन को ही देख लेती। खतीजा भी इसी स्कूल में गई थी, फिर कॉलेज गई, किसी ने कोई भी शिकायत नहीं सुनी इसके हवाले से। पापा प्लीज, आप ये ताने देना बंद करें। अच्छा, अब आपको मेरी बातें भी बहुत बुरी लग रही हैं? हाँ, ऐसा क्या पढ़ा दिया उस मनहूस से तुम्हें? पप्पो, जब मैं एक बार कह चुकी हूँ कि मैं दोबारा नहीं जाऊंगी, तो फिर आप क्यों बार बार एक ही बात को घसीटे जा रही हैं? नहीं जाओगी तुम? अच्छा ठीक है, उसे मेरे सामने फोन मिलाओ और उसे कहना कि ना तुम्हें कभी कांटेक्ट करने की कोशिश करे और ना मिलने की। चलो फोन उठाओ। जब कह दिया तो फिर किसका फोन है? वो कोई रॉन्ग नंबर है शायद। कितनी आसानी से झूठ भी बोल दिया तुमने अभी। उठा फोन, उठा फोन, और जो मैंने तुम्हें कहा है उसे कहो गुस्से से। उठाओ। हेलो। थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया आयशा, कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, एटलीस्ट फोन तो टाइम पर उठा लिया करो। जिस तरह मैंने बताया उसी तरह बोलो, उसे से बोलो। हेलो आयशा, यार अगर फोन उठा ही लिया है तो एटलीस्ट बात भी कर लो, वी आर गेटिंग लेट, कम ऑन बेबी। वो मेरे बाबा ने मना कर दिया, मैं नहीं आ सकती। आर यू क्रेजी? तो अपने इस अय्याश बाप से डर रही हो जिसने अपनी जवानी की याद में दूसरी शादी कर ली, और वो भी एक यंग लेडी से। You just shut your mouth and mind your language. मिस्टर, शीशा नीचे करें। लगता है बाबा आ गए। आप बाहर हैं गाड़ी से? बाहर हैं, बाहर हैं गाड़ी से, बाहर आए, एक मिनट, बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? इसमें पर्सनल मैटर। ओके, पर्सनल मैटर, आप इधर आ जाएं। चले, आप मेरे मामले में नहीं बोल सकते। चलो थाने चलो, आप डॉक्टर साहब, इसको कब होश आएगा? होश में तो ये थोड़ी देर में आ जाएंगी, लेकिन असल मकसद इनके होश में आना नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। एक्चुअली इनका एक्सीडेंट काफी क्रिटिकल कंडीशन में हुआ है। क्रिटिकल कंडीशन मतलब? मतलब ये कि इनकी जो हालत है उस हालत में इन्हें अकेले कहीं नहीं जाने देना चाहिए था, और ब्लीडिंग की वजह से अब आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस है,
थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। क्रिटिकल चॉइस, कैसी चॉइस? देखिए मैडम, या तो हम इन्हें बचा सकते हैं या फिर इनके बच्चे को। अब फैसला आप लोगों को करना है। एक्चुअली यू नो डॉक्टर साहब, इसकी डॉक्टर इसी हॉस्पिटल में होती है, उनका नाम है आमना नदीम। अगर आप इसकी फाइल देख लें और उनसे बात कर लें, उनको इसकी सारी हिस्ट्री का पता है। मैं चाहूंगी कि आप उनसे अगर कंसल्टेशन ले लें तो बेहतर होगा। वेल इन दैट केस हम डॉक्टर आमना से कंसल्ट कर लेते हैं, लेट्स सी वो क्या कहती हैं। प्लीज प्लीज थैंक यू। खाला यकीन करें, खतीजा की उस वक्त जो कंडीशन थी ना, हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। बस कर दो रिजवान, इसे यकीन आए या ना आए, इसने पहले कौन से हमारी बात इतनी आराम से मान ली जो अब मानेगी। आपके इसी रवैये की वजह से कोई भी मुझे अहमियत नहीं देता। खबरदार जो तुमने इस घर में मगरमच्छ के आंसू बहाए हो। सब लोगों ने तुम्हें समझाने की कोशिश की, समझी तुम? कोई बात तुम्हें समझ में आती है? यकीन करो, ऐसे हालत थी उस वक्त, हमें खुद होश नहीं था। हम तुम्हारे कोई दुश्मन थोड़ी हैं। रहने दे भाभी ये बातें आप अपनी। क्या मतलब है कि दुश्मन नहीं है, होश नहीं था? आपके घर में काम ही ऐसे होते होंगे बेहोशी से। लेकिन ये जो आपा है ना आपा, इनको पता नहीं लगता है कि इनकी खुशियों को मैं नजर लगाऊंगी। मैं कभी भी मुझे किसी भी खुशी में शामिल नहीं करती। खाला भला अम्मी ऐसा क्यों करेंगी? प्लीज प्लीज रिजवान प्लीज। तुम में जरा भी शर्म और हया है? तुम किसी खुशी को नजर लगाओ या ना लगाओ, लेकिन हर खुशी का बेड़ा गर्क जरूर कर देती हो, ये तुम्हारी फितरत में है। देखो ऐसा करते हैं, बच्चे का नाम तुम्हारी मर्जी से, अब खुश हो। नहीं नहीं नहीं, ये जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकती। ये क्या क्या मतलब? मतलब ये कि देखें भाभी, लोग बड़ी इन चीजों को मानते हैं कि नाम अगर ठीक नहीं हो तो एमी बिना वजह मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी सारी उम्र। क्या कह रही है? और क्या, खुदा ना खासा कल स्कूल में उसको एडमिशन ना मिला, फेल हो गया तो मसला। अगर नौकरी ना मिली या कुछ कुछ भी हो सकता है। अम्मी लोग ऐसे ही सोचते हैं, लोग ऐसे ही सोचते हैं ना आपा। नहीं नहीं नहीं, मुझे सारी जिंदगी के ताने नहीं लेने, नामा मैं नहीं रख सकती। ठंडक पड़ गई ये सब कह के तुम्हें? अब बताओ ये किसी लायक है? तुम लोग मुझे ही कहते हो कि मैं ही हमेशा इसका बुरा सोचती हूँ। आप मुझे कुछ भी समझे, लेकिन कसम से मुझे सबकी इतनी फिक्र रहती मैं बता नहीं सकती आपको। ना तो मेरी बात जरा भाभी ने मानी और ना ही इस आयशा ने। अब इसकी जान लोगी क्या? आयशा का क्या कसूर है? आयशा का अगर कसूर ना होता तो क्या भाई जैनब भाभी की तरह उसको घर से निकालते? क्या कह रही हो वसीम? पूछे जरा इससे, पूछे बताओ क्यों भाई ने निकाला तुम्हें घर से, बताओ अपनी अम्मा को। नहीं मेरा मतलब ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्या मतलब है ऐसी कोई बात नहीं है? ठीक है, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मैं फरहान भाई से फोन पे अभी पूछ लेती हूँ। क्यों? बताओ बताओ बेटा, बात क्या हुई है? कमाल है आप लोग, जो बता रहा है उसकी आप सुन ही नहीं रहे, और जो चुप करके खड़ी है उसके आप पीछे पड़े हुए हैं। अब तुमने आग लगा दी है ना, अब इस पे पानी भी खुद ही डालो। तुम्हारी जबान क्यों बंद हो गई है, बोलती क्यों नहीं हो? देखा आप लोगों ने, आपा की इन्हीं बातों की वजह से मेरा दिल टूट जाता है। क्या हो गया है नसीम तुम्हें, क्या हो गया? पप्पू आप ही बता दे कि हुआ क्या है। ये जो हमारी है ना आयशा, ये सारा सारा दिन एक आवारा और बदमाश लड़के के साथ घूमती फिरती रहती है और बहाना बताती है कि मैं ट्यूशन पढ़ने जा रही हूं।